8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। ऐसे में भारत में रहने वाले हर शख्स के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, कब सूतक लगेगा। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी पूरी डिटेल बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 2024 में दो सूर्य ग्रहण लगेंगे, जिनमें से पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगेगा और दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? जवाब है नहीं। बता दें कि भारतीय समय अनुसार 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण रात करीब 9:12 पर शुरू होगा और 1:20 पर ये खत्म होगा। इस सूर्य ग्रहण की अवधि 5:25 के करीब होगी। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। किन किन देशों में सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा वो भी आपको बताते हैं। भारत के अलावा सूर्य ग्रहण पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल आदि देशों में भी दिखाई नहीं देगा। चलिए अब किन देशों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हालांकि प्रमुख रूप से ये सूर्य ग्रहण अमेरिका में दिखेगा, इसके अलावा कनाडा, मेक्सिको, प्रशांत अटलांटिक और आर्कटिक में ये सूर्य ग्रहण दिखेगा। दुर्लभ संयोग में साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। ये दुर्लभ संयोग क्या है, चलिए जानते हैं। 54 साल बाद 8 अप्रैल को लगने वाले सूर्य ग्रहण एक साथ कई दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है। ये सूर्य ग्रहण 50 वर्षों बाद सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण करीब 5:25 तक चलेगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इससे पहले ऐसा संयोग 1970 में बना था। 8 अप्रैल को जब सूर्य ग्रहण लगेगा तब इस दौरान कुछ समय के लिए पृथ्वी के एक हिस्से में अंधेरा छा जाएगा, यानी ग्रहण में सूर्य पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इस सूर्य ग्रहण के दौरान धूमकेतु तारा भी साफ साफ नजर आएगा। दुनिया के जिन जिन हिस्सों में ये सूर्य ग्रहण लगेगा वहाँ सौरमंडल में मौजूद शुक्र और गुरु भी देखे जा सकेंगे। फिलहाल सूर्य ग्रहण को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं ये कमेंट कर जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही।